अरे है ना अभी रखो रुक जा यार, इनको रखी रहो यार, मांग रहे हैं ना तभी वो मांग रहे हैं, वो मेरे को पता है। हेलो जय शिशु, थोड़ी और आवाज खोल दो। हेलो 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 जय शिशु, देखिए प्रेम से एक बार बाबा साहब का चक्कर लगाते हुए कह दी जय श्री श्याम जय श्री श्याम, फिर से कहिए जय श्री श्याम जय श्री श्याम, फिर से कहिए जय श्री श्याम जय श्री श्याम। अब कहिए बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की जय। कर श्री बलिदान सच्चे दरबार की जय, कर श्री बलिदान सच्चे दरबार की जय, कर श्री बलिदान सच्चे दरबार की। सोच रहे हैं हमने तीन बार जगाया बाबा श्याम का और बालाजी महाराज का और माता शेरावाली का, तीन बार इसलिए लगाया क्योंकि तीन लोग हैं, पहला पताल लोग, दूसरा यम लोग जिसमें हम रहते हैं और तीसरा देव लोग, और ऐसे ही तीन देवियां हैं, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी, तीनों एक हो जाए तो माँ दुर्गा। और वैसे ही बाबा के तीन बाण है, जो एक लोक में छोड़ दो वो लोक खत्म हो जाएगा, और वो तीन बाण दिए तीनों देवियों ने माँ दुर्गा के रूप में बहुत ही बड़े प्रेम से। तीन बाण हरे की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। वैसे ही बालाजी के लिए तीन नाम है, बालाजी महाराज के तीन नाम है, पहले मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और तीसरे जो शुद्ध धरती पर मौजूद है, जंगलों में रहते हैं, पांडु बोल बालाजी महाराज की है। तो पहले तो आप सभी को बाबा श्याम के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे यदुवंशी परिवार की तरफ से आप सभी को बाबा श्याम के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं कहीं भी कीर्तन करता हूँ तो सबसे पहले गणपति गणेश महाराज जी को और माँ सरस्वती को जरूर बुलाता हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरा ये कीर्तन अधूरा है। मॉनिटर पर डाल दो, मॉनिटर पर, और शांत कर दो हम दोनों। तो आइए 5-10 मिनट में लूंगा अपने, उसके बाद सारा टाइम आपके लिए।
इसका कुछ लोग गलत उपयोग करते हैं, पर आज सही मायने में आपका स्टंट का उपयोग होने वाला है। कौन कौन स्टंट का उपयोग करेगा? हाथ खोलकर ताली बजाते हुए और
है।
हमने सच में भाव का भूखा है, आपको सिर्फ भाव से रिझाना है। हर भजन में आप भाव से जाओगे, जब बाबा को रिझाओगे ये कीर्तन में आएगा। एक बार कह दीजिए हारे के सहारे की। और बताइए आज बाबा का दरबार सुंदर लग रहा है, कितने गले लग रहा है, हाथ उठा दो। क्या बात है, फूलों में सजकर बैठे वो भी पीले वाले रंग में, क्या बात है। भजन कोई मस्तीना शुरू करना पड़ेगा, जैसे वो बाबा हंसने लग रहे हैं, बिल्कुल हंस रहे हैं। अच्छा, अगर भक्तों को मस्ती चाहिए ना तो भी भजन फिर मस्ती नहीं शुरू करेंगे बाबा का नाम लेकर। आप सभी को देखकर मेरे मन में बात आई है कि कीर्तन की रात है, बाबा के प्रेमी का हाथ है। हाँ क्या बात है, हाँ क्या बात है बाबा, हाँ क्या बात है, मैं प्रेमी हूँ। बोलो खाटू नरेश की। श्याम की बांधो ने क्या धूप जाई है, श्याम की
Thank you.
प्यार से झूमती है, इतने देर से तो पांव दुख जाते हैं, इतने देर से खड़े हैं। अरे नाचने का दिल करे नाच भी लेगा, खड़े देखने मत रहना, इनके सर पर नशा है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब रात हो रही है, अभी तो काम बैठे हो, ये नशा है जो सर चढ़कर बोल रहा है। मैं शाम का जादू Yeah.
जो जो अपने कोई मांग लेकर आया ना तेरे दरबार पर, उसकी जो उसकी बनती इच्छा है उसकी पूरी कर देता, क्योंकि इनका कोई नहीं तेरे बिना, क्योंकि तू ही इनका भाई बाप है, इसलिए तू ही इच्छा पूरी करेगा। ये क्या है? ये इनाम है। उनको पसंद आया, उन्होंने हमें इनाम दिया। पर आजकल कुछ कलाकारों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, वो इस इनाम को इनकार कर देते हैं। वो कह देंगे कि ये पैसे जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उन्हें लौटे में दे देगा। अरे जो देने आया उसे नहीं पता कि मंदिर के बाहर बैठे होंगे, वो इसलिए देने आया है क्योंकि उनको भजन देना पसंद आया है, इसलिए वो इनाम देना चाहते हैं। पुराने जमाने में जब राजा के सामने आता था ना, तो वो अपने गले की माला डाल किसके गले में डाल देता था, उपहार इनाम देता था। उस समय तो कोई मना करता नहीं था, राजा सामने डाला है। तो आज का जमाने बस चेंज हुआ है, वो गले की माला पॉकेट में बदल गई है, तो ये इनाम मिलता है उनको। कोई कलाकारों को पूछे कुछ चीज पर आगे बैठी है 1 लाख मना कर देंगे, उस समय सुबह थोड़ी बदल के ले जाएंगे। हमारे लिए यही 1 लाख है क्योंकि ये प्यार से दिया गया है, और लक्ष्मी माता को इनकार नहीं करते जब आती है, तो लक्ष्मी माता की जय हो। स्टीप माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दो, बड़ी दबी दबी सी आ रही है, बड़ी डिब बढ़ा दो और कोर्स की भी बढ़ा दो। हेलो 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 अब जो खाटू नहीं रहेगा वो ये भजन को जरूर सुनना, क्यों? क्योंकि जो अभी नहीं गए ना वो आज से अपनी तान लगा के बैठेंगे। अच्छा ये भी बता दो, आज बाबा को पहली बार किसने देखा है? पहली बार बाबा को किसने देखा है आज? चलो ये भजन सुनना भी, अब बाबा के दीवाने होने वाले हो, क्योंकि ये भजन में इतनी पावर है आपके दिल की तार बाबा से जुड़ जाएगी, आंखों में क्या की बता आंसू भी आ गए, क्योंकि इस भजन को मेरे पापा ने लिखा है बड़े भाव से। जब हम पहली बार खाटू गए थे तब ये लिखा था, उसकी नगरी को देखते हुए वहां की भीड़ को जैसे लोग निशान लेकर जा रहे हैं, उसके ऊपर ये भजन लिखा है। एक बार प्रेम से सुनिए भैया, ये माइक आवाज बहुत कर रहा है। मॉनिटर
दबती दबती आवाज आती है, और शॉर्ट ब्रेक लिए और मॉनिटर पर रखिए। थोड़ी देर के लिए तेज करते हैं, फिर कम कर देते हैं। से जो करा लगा दीजिए, हमारे का सहारा बाबा श्याम तुम्हारा। देखो इस कीर्तन में आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, भाव जुड़ रहा है। कई लोग तो हम थोड़ी देर पीछे कीर्तन में गए थे, लोग ऐसे बैठे होते कहीं हाथ में हाथ डाल कर और जकारे लगाने के वो हाथ भी नहीं उठाते, ऐसे बैठे होते। आप जैसे ताली बजा रहे हो, जकारे के साथ बोल रहे हो, ये भाव जुड़ रहा है। वरना कई लोग तो अभी घर बैठे होंगे। अच्छा, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूज ना हो, कौन कौन मुझे लड़के समझ रहा, हाथ खड़े करो, बाद में कंफ्यूज मत होना। बाद में कीर्तन निकल जाए तो तुम घर जाके सोचते रहो लड़की था कि लड़का। मैं लड़का हूँ और ये मैंने स्टाइल रखा है, अलग लुक रखी है। चार पाँच साल की बात मेरी पूछ आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा लड़का। और बाकी किस चीज ने नोट किया कि हमने दो घड़ियां डाली हैं? पता है क्यों डाली है? क्योंकि एक ने हमारे माँ बाप ने हमें गिफ्ट की है, हम हर वक्त पहन रखते हैं, क्योंकि जो जब उसमें टाइम देखेंगे हमारे परिवार का अच्छा टाइम आएगा, इसलिए हम वो घड़ी पहने रखते हैं। और दूसरी घड़ी, हमें घड़ियाँ बहुत पसंद है तो लोग हमें घड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, और जब हम उनकी घड़ी पहनते हैं उनका सम्मान हो जाता है, और उनकी घड़ी में जब हम टाइम देखते हैं उनका टाइम भी अच्छा आता है और हमारा टाइम भी अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात, पहले समय में राजा महाराजा उससे भी पहले लोग पहले घड़ियाँ पहनते थे, बुजुर्ग लोगों से आपके दादा पर दादा को पता होगा वो घड़ियाँ पहनते थे। जब वो घड़ियाँ पहनते थे तो उनका काम अच्छा चलता था, कारोबार अच्छा चलता था, बड़ी कृपा थी। पर आज अपने घड़ी को, समय को अपने पॉकेट में डाल रखा है, अपने समय को बंद कर दिया है। ये खुले में रहना चाहिए समाज, क्योंकि आपका भी समाज अच्छा है। एक बार बता दो, कौन अब घड़ी लेगा, कौन घड़ी लेगा घर जाके जिनके पास नहीं है? जो तो पहने रखी है उनका काम अच्छा लग रहा होगा दूसरे नाम से, और जिन्होंने नहीं पहनी घर जाके घड़ी लेनी है और पहननी है अच्छे समय के लिए। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, एक बार कह दीजिए लखदा दार की। क्योंकि बाबा साहब के मित्र बालाजी महाराज, जहाँ श्री राम का कीर्तन, जहाँ श्री श्याम का कीर्तन, वहाँ बालाजी आते ही आते। कलम कीर्तन करके आ रहे थे उसी कलम में, और बालाजी ने जो रूप में दर्शन दिए थे, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा अच्छा भाव जोड़ा था, क्योंकि उनके मित्र हैं। अच्छा बता दो, कौन कौन चाहता है आज बाबा के मित्र बालाजी महाराज इस मंडल में आए, आज इस कीर्तन में आओ तो आज भाव से गाना पड़ेगा। Yeah.
और उनके पाँव पर पाई बजी होती थी, पाई छुपने से तो छिन छिन की आवाज आती।
हमारी बात को लाइट ले लिया, चेक कर रहे हैं, चेक
मजाक कर रहे हैं। जब किसी की कोठी कार या बंगला देखते हैं तो मन में विचार आता है यार पता नहीं कल तो कुछ नहीं था आज कैसे बन गया है ना। तो जब आप लोग कोई बंदा सुझाव देता है तो आप उसे सीरियस नहीं लेते लाइटली लेते हो तो कम हम तो सुबह चले जाएंगे तो दो चार लोग इसको नोट करेंगे और कल को वो बड़े बन जाएंगे तो फिर आप सोचते हो कल यार यहाँ कुछ नहीं था आज कैसे बड़ा हो गया क्योंकि उसने वो बात और मानी तो उसकी लॉटरी लग गई। हम बालाजी महाराज को विराजमान समझ रहे हैं और जब सरकार बैठती है ना तो जो सरकार के सामने नाचता है ना जाने सरकार खुश होकर क्या देते। लॉटरी किसी एक की लगती है भाई साहब डालते सभी हैं तो जो भाव जोड़ गया वो ले गया। हम भी जोड़ते थे पर भाव नहीं जुड़ता था जितने जुड़ा आज पूरी दुनिया घूम रहे हैं 10 साल का है 4 लाख फॉलोअर है कन्हैया मित्र जी 1 मिलियन है तो ऐसे भाव नहीं जुड़ता जो भाव जोड़ता है लॉटरी उसकी लगती है बाकी तो सब भेड़ चाल है। तो जो भाव जोड़ने की बात कर रहे हैं तो प्लीज जोड़िए हम तो चले जाएंगे आपको कुछ मिल जाए तो हमें और भी अच्छा चाहिए। बोले हारे के सहारे की Thank you.
Thank you.
स्थाई क्यों बोली? हमने इसलिए बोली क्योंकि कई भक्त होते हैं जो कितने कितने सालों से साला साहब कंडीपुर धाम जा रहे होते हैं, अर्जी कबूल नहीं होती। हम बाला जी को प्रेम भाव से कह रहे हैं, जिनकी अर्जी नहीं हुई उनकी प्रतिष्ठा ओ बाला जी महाराज एक बार प्रेम से निकाला लगा दीजिए। साला साहब धाम की जय हो, बाला जी महाराज की जय हो। थोड़ा सा